कुछ पता चल गया संपूर्ण दा? नहीं जी। ओ भाई मैं कहता हूँ अपने घर परिवार से कब तक भागता फिरेगा, जो होना सा सो हो गया, अब तो उसको घर वापस आ जाना चाहिए और अपने परिवार को संभालना चाहिए। पता नहीं बेचारे के बच्चे और जनानी का क्या हो रहा होगा। ओ भाई कौन जाने, संपूर्ण कहीं हमेशा के लिए ही ना चला गया हो। देखो जी, अगर ये बात है तो रतन हमारे पिंड की बहू है। हाँ। उसे पुक्की तो नहीं मरने दे सकते ना? पुक्की क्यों मरेगी, जब तक संपूर्ण था सारे पिंड को संभाला था, अब उसके पीछे से पूरा पिंड मिलकर उसके अकेले घर को नहीं संभाल सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। छोटे चंद, ये खाने का डब्बा रख ले। अरे बस्ता भी नहीं है, लगता है चला गया, मिले बिना ही चला गया। बच्ची को भी साथ ले गया। हाय मेरे रब्बा, इस घर विच की हो रहा है? सब एक दूजे का काम करने पर तुले हुए, जो काम गुड्डू को करना चाहिए रतन पुत्र कर रही है, जो रतन को करना चाहिए वो छोटा चंद कर रहा है। पता नहीं स्कूल में कैसे संभालेगा छोटी बच्ची को। कुछी कुछी कितनी प्यारी है। अरे अरे आराम से संभाल के, उंगलियां छोटी है ना, ठीक से हो गई नहीं है अभी तक। देखना जब टीचर जी आएगी ना तो सबकी सुथाई होगी, फिर मजा आएगा, लगे है सब शिशुंद्री के साथ खेलने में। अरे हाँ, पर अनु टीचर जी से कैसे छुपाएंगे? मैं बताऊँ, क्लास में जब मैं को भूख लगती तब मैं छुप छुप के खाती हूँ, टीचर को पता ही नहीं चलता है। करे सब उल्टे काम, इसे यहाँ लाने की जरूरत ही क्या थी, अपने बीजी के पास छोड़ के आ सकता था ना। बीजी के पास कैसे छोड़ दो, बीजी तो खेतों में खेती करने गई है ना, कैसे संभालती? दीदी बीजी और खेती करने? हाँ। पर खेती तो संभालती करता है, तो वो कैसे चली गई वहाँ? तो बच्चों, एक आदमी के पास 12 डिब्बे हैं, हर डिब्बे में 10-10 रुपया, तो कुल कितने हुए? 100 गई की नहीं, नींद आ रही शायद, टीचर जी पढ़ाती ऐसी है। तो इसके लिए हमें 12 को 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या है तू? क्यों हो रहा है? आवाज बंद। कहां से आवाज आई? कौन मस्ती कर रहा है? टीचर जी वो रणवी के पास से आई, वो अपनी छोटी सी मुट्ठी सी बहन को स्कूल लेकर आया है। रणवी कितने तेरी बहन? तू इसे स्कूल कैसे ले आया? तो की करता टीचर जी, घर में पापा जी नहीं है,
बीजू खेतों में गई है तो उनका ध्यान कौन रखता? तू बच्ची क्यों, कल के दिन तू अपनी गाय भैंस सबको लेके स्कूल आ जा। जा इसे वापस लेके जा। पर टीचर जी रहने दो ना, अभी थोड़ी देर में सो जाएगी, बच्ची है, अभी किसी बात पे हंसी आ गई तो अब मैं क्या करा, अभी सो जाएगी तो फिर नहीं हंसेगी। दिमाग खराब हो गया, स्कूल है ये तेरा घर नहीं, अगर तुझे क्लास में बैठना है तो इस बच्ची को घर छोड़ के आना पड़ेगा। पर टीचर जी ना कोई परवर नहीं, घर छोड़ के आ तभी क्लास में बैठने दूंगी, इस बच्ची के साथ नहीं। तू बैग लेके कहाँ जा रहा है, बच्चे तो छोड़ के वापस आ जाना। मेरे टीचर जी मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे मैंने स्कूल भी छोड़ना पड़े, जिस स्कूल में मेरी बहन नहीं आ सकती उस स्कूल में मैनू भी नहीं आना है। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊँ इन तेरी रंग रलियों में, मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा मुझ में भी है किस्सा तेरा, मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा मुझ में भी है किस्सा तेरा, अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा ओ वीर की अरदास वीरा। ए कोई गल नहीं मास्टर जी का, वो तो नुक कक्षा में रहने थे, उनकी बेंच पर थोड़ा लेटी हुई थी तू। चलो अब लेट हो जा। घूम गई? हाँ। और कितने घूम गई? पता नहीं, मैंने ठेले पर रखा था, पता नहीं किधर चली गई। कोई पता नहीं है तो आवाज लगा ले, नाम क्या है उसका? उसका नाम तो कुछ भी नहीं है। नाम नहीं? और पुत्र तू तू उसे क्या कह के बुलाता है? उसे मैं ओए मेरी बहन करके बुलाता हूँ। ओए मेरी बहन, ओए मेरी बहन। ओए चंगा, तू उसे ओए ओए कहकर ही बुला ले, आ जाएगी। ओए, 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 ओए मेरी बहन तू कितना? ओए मेरी बहन, कितना तू? कितना तू? बीर जी इस बच्ची ने पहचानदा की? अरे बीर जी इस बच्ची ने पहचानदा की? पता नहीं मेरे ठेले बीच कैसे आ गई। ओए ऐसे कैसे आ गई, कहीं से उठा तो नहीं लाया तू? अन्ना जी
मेरी बहन। बहन जी जब चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोल रहे हो ना जी। बुलाओ पुलिस को ना, ना जी। पुलिस को बुलाते हैं आप, पुलिस ही को बुलाओ, ये उठा रहे हैं। मेरी बहन है, लाओ दो मेरी बहन। पुत्र तेरी बहन मेरे ठेले बीच कैसे आ गई? वो नाकी में मैं जूते की दूरी बांध रहा था तो मैंने आपका ठेले पर रखी थी और दूसरे लिया। लाओ दो मेरी बहन। तेरी बहन को तो संभाल के रखना चाहिए था ना पुत्र, अभी मैंने जूते बर्बाद देता तू। ये ले संभाल। कितने चली गई थी तू? कितना रोना आ रहा था जोर का मैनू, तेनू पता है? और तू तो रोक नहीं सकती थी जब वो चश्मे तेनू लेके जा रहे थे। अरे एक बात तो मैंने सोची नहीं, तेरा कोई नाम ही नहीं है, तेरा नाम रखना भी तो जरूरी है ना। चल बीजी, आपको पता है आज मैंने रणवीर की बीजी को देखा था, वो ट्रैक्टर चलाते हुए खेतों में काम करने जा रही थी। पर बीजी कभी ऐसा भी होता है कि जनानी ट्रैक्टर चलाते खेतों में काम करने जा रही है? उत्तर वो घर ना दुनिया से निराला ही है, वहाँ तो आंगन फाड़ के भैंसा निकला है ना, मैंने तो भी अजीब ना लगे। रोटी का नहीं, पहले उसे करवाओ वो। ओ महारानी जरा वो करके दिखा, तेरा भी रोटी नहीं खा रहा। उठना अब। चल बैठ जा। खा नहीं। अरे अरे खा के तो जा बेटा, ये लड़का भी ना सुनता ही नहीं। सुनो जी तनु कमाल की खबर सुनानी है। की हो गया? तुझे बैठो तो सही। हाँ, बस हो क्यों? सिर्फ बलदेव बता रहा था कि आज रतन ट्रैक्टर चला के खेतों में काम करने गई है। हाँ खबर तो सही है, पिंड के कुछ लोगों ने उसे ट्रैक्टर पे जाते हुए देखा था। बड़े अफसोस की गल है, मुझे संपूर्ण हमेशा एक बड़ा बहादुर मर्द लगता था, कदे नहीं सोचा सी कि वो ऐसे डरपोकों की तरह घर छोड़ने का काम करेगा। सोचा तो ये भी नहीं था कि घर तोड़ने वाला काम करेगा, बेवकूफ कहीं का। अरे इंसान पाप करने के बाद ना हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए, बाकी चोरी करे भी तो पकड़ा ना जाए। ओ महारानी ये थाली उठाने के लिए ना तेरे ससुराल वालों ने नौकर नहीं लगा रखे। बीजी ससुराल क्यों दा? दो हाथ और लंबी हो जा, भिजवा दूंगी। अभी थाली उठा और अंदर। तुसी मैनू बताओ जी, अब रतन बेचारी भी क्या करती, घर घर जाके भीख मांग के तो अपना और अपनी औलाद का पेट भरने से रही, वो किस सहारे बैठे? रब के सिवा और कोई नहीं जानता कि संपूर्ण है कित्थे, कद आएगा पता नहीं, आएगा भी कि नहीं। बंसरी बंसरी अरे कीड़े पड़े तेरे मुंह विच जो मेरे पुत्र के बारे में ऐसी बात करती है। संपूर्ण पूरे पिंड का प्राण है, सब लोग मिलके उसके वास्ते अरदास करो, जो मुंह में आता है बक देती है। अरे की पता जब किसी एक की भी अरदास सुन ले तो मेरा पुत्र कर वापस आ जाएगा। चाई जी सरहद पे जंग लड़ते नहीं खोया संपूर्ण जो सब लोग उसके लिए अरदास करें, अपनी बीवी नु धोखा देके भागया वो भगौड़ा कहीं का। ओ बांसरी जी एक मिनट, चाई जी दरअसल बात बहुत बिगड़ गई है, मैनू नहीं लगता कि अगर संपूर्ण वापस आ भी जाता है तो रतन परजाई कभी उसको माफ करेगी। बलवंत पुत्र बस एक बार रब मेरे गुड्डू को वापस भेज दे, फिर तू देखना उसकी कार की
जितनी भी ईंटें बिखरी पड़ी है ना पुत्र, मेरा गुड्डू सारी ईंटें समेट कर और दोबारा अपना घर खड़ा कर देगा। और जहां तक बात रतन की है पुत्र, तो रतन की आंखों में मैंने अगर छह आना गुड्डू के लिए नफरत और गुस्सा देखा है, तो छह आना उसके लिए तड़प, उसके लिए दर्द और उसका इंतजार देखा है पुत्र। बस एक बार मेरा गुड्डू घर वापस आ जाए, देखना वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैं तेरे से मदद मांगने के वास्ते आई हूं। कुछ लोगों ने गुड्डू को मंडी में देखा है, तो तू अपने कुछ मुंडे पिंड के भिजवा दे मेरे गुड्डू को ढूंढने के वास्ते। तुसी चिंता ना करो चाई जी, बल्कि मैं अभी एहो ही सोच रहा सी, कल ही अपने मुंडे भिजवाता हूं। रब तेरे को हमेशा खुश रखे पुत्र। रब राखा। रब राखा। अक्कल के ऊंट कुछ ज्यादा ही दौड़ने लगे तुहाडे। संपूर्ण को ढूंढने के लिए आदमी भेजोगे? ओ बंसरी जी, मुंडे नहीं भेजूंगा तो संपूर्ण मिलेगा कैसे? सही कह रहे हो, नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार संपूर्ण वापस आ गया ना और रतन ने उसको माफ कर दिया, तो पिंड की माफी तो उसको एक न एक दिन मिल ही जानी। फिर आजकल जो सरपंच की कुर्सी पे जाके बैठते हो ना, सब चला जा रहा है। छोड़नी पड़ेगी आपको ये सरपंच की कुर्सी। इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, खबरदार जो किसी को भी संपूर्ण को ढूंढने के लिए भेजा तो। ओ जी चंगा चंगा, नहीं भेजूंगा किसी को भी। तरस तो मुझे रतन पर जाई प्यार है, ना जाने कैसे संभालेगी सब कुछ। चल पुत्र खाना खा ले। चाय जी, आपने खाना क्यों बनाया? मैं खाना नहीं बनाती तो खाते क्या, मुंह खोलकर हवा खाते? चाय जी मतलब मैं आकर बनाने वाली थी ना। पुत्र, घर का मर्द अगर बाहर से काम करके थका आ रहा है तो क्या उसे खाना भी तैयार ना मिले? हाँ चल जल्दी बैठ बैठ बैठ, गर्मा गर्म है। ओए मेरे छोटे चन, छोटे चन, रणवी बीजी आ गई, पुत्र आजा खाना खा ले। बीजी अब आ गई। बीजी अब खेती करके आए होगे ना, थक गए होगी? बहुत थक गई हूँ, पर तूने मीठी मीठी सी पप्पी दे दी ना, सारी थकान उतर गई। बीजी पप्पी देने से थकान उतर जाती है? और की, अब पूरे पिंड के खेत जुतवा लो मुझसे। पप्पी देने से थकान तो उतर जाती है, पर पुत्र पप्पी देने से खाली पेट नहीं भरता, खाना खाओ। चलो ले खा। बेजी आपने मेरा नाम कैसे रखा था? तेरा नाम बहुत धूम धड़ाके से रखा था, बहुत बड़ा जश्न मनाया था, तेरे पापा जी ने पूरे। तेरे पापा जी ने पूरे पिंड को न्योता दिया था, सब आए थे, सबको खाना खिलाया था। बीजी वैसे ही मेरे बहन का नाम रखेंगे ना? पापा जी के आने से पहले वो आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।